फ्रेंड्स नमस्कार, एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं मुकेश कुमार माई होम रियल एस्टेट से। आज हम लोग फ्लैट देखने वाले हैं ना, बहुत ही बढ़िया फ्लैट है ये। फ्लैट आपका जो अगर हम एरिया की बात करें कि कौन से लोकेशन में पड़ता है, कहाँ क्या कैसे आना होगा यहाँ पे, अगर उसकी हम बात करें तो ये जो हमारा फ्लैट है ना, ये फ्लैट किरण गार्डन उत्तम नगर एरिया में पड़ता है। और इससे अगर मेट्रो के डिस्टेंस की हम बात करें तो हार्डली ये 200 मीटर का डिस्टेंस है मेट्रो स्टेशन से। और इस फ्लैट की सबसे कमाल की बात है दोस्त, ये टू साइड ओपन फ्लैट्स है। लाइक अगर जहाँ से अभी हमने एंट्री ली है उधर भी 30 फीट का रोड है, और इसके पीछे अगर देखें तो वहाँ भी 30 फीट का रोड है। लाइक हमने अभी तो पीछे बोला है, बैक साइड बोला है, बट इसमें कुछ भी बैक साइड और फ्रंट साइड नहीं है, दोनों तरफ से एंट्री है। अगर अपनी आप गाड़ी से आ रहे हैं, अगर आप इधर से एंट्री ले रहे हैं तो ये वाला जो एरिया देखेंगे पीछे से आपका एग्जिट हो जाएगा, या आप उधर से आ रहे हैं तो आप इधर से एग्जिट हो सकते हैं। लाइक टू साइड ओपन प्लॉट्स, कमाल का फ्लैट्स होगा। अभी हम ऊपर जाएंगे देखेंगे। ये हमारा 4 BHK का फ्लैट्स है, 150 गज के एरिया में बना हुआ है। और सबसे अच्छी बात, टू साइड ओपन इंडिपेंडेंट फ्लोर, हर फ्लोर पे एक ही फ्लैट। मैं आपको पार्किंग का आइडिया दिखाता हूँ, अगर आप देख पा रहे हैं इस तरफ भी हमारा जो स्पेस है वो है, और यहाँ से ये पूरा हमारा पार्किंग का एरिया है। पर लोकेशन नज़दीक आके दिखाया, ये पूरा हमारा पार्किंग का एरिया। आप गेट अगर देख पा रहे हो तो इसका जो फ्रंट है हमारा, इतना बड़ा फ्रंट है। हर फ्लोर के लिए 2 गाड़ी की पार्किंग दी गई है, इंडिपेंडेंट फ्लोर 150 गज में। इसका जो हमने प्राइस रखा है वो रखा है 90 लाख रुपीज़, 90 लाख रुपये का फ्लैट्स है। और ये हमारा 4 BHK फ्लैट है। आइए मैं आपको ले चलता हूँ अपने 4 BHK फ्लैट्स की एंट्री की तरफ। अगर हम स्टेयर से भी चल रहे हैं, आप देखेंगे ये अभी चूंकि काम चल रहा है, स्टेनलेस स्टील की हमने रेलिंग लगाई है और हमने स्टेयर्स में भी लाइट दिए हैं। अगर आप ये देख पा रहे हो तो ये स्टेयर्स में भी हमने लाइट दी है। अभी हम चलेंगे अपने 4 BHK के फ्लैट्स की एंट्री की तरफ। हमने जैसा कि अभी आपको स्टेयर से हम लोग ऊपर आए हैं, यहाँ से आप देख पाएंगे ये हमारे 4 BHK फ्लैट्स की एंट्री है। अब अगर आप डिज़ाइन देखें तो ग्लास और वुडन का कम्बिनेशन यहाँ पे दिया गया है। और जैसे हम बिल्डिंग में एंट्री लेंगे तो एक तरफ से जब एंट्री ले रहे हैं तो ईस्ट है, दूसरी तरफ से वेस्ट है। तो जो फेसिंग पड़ेगी ईस्ट वेस्ट दोनों पड़ेगी, वो ये कंसिडरेशन का मैटर आपके लिए होगा कि आप क्या कंसिडर करते हैं। जैसे हमने यहाँ गेट से एंट्री ली तो ये हमारा ड्राइंग का एरिया है। इसको दिखाने से पहले मैं दिखाऊं, क्योंकि हमारा काम चल रहा है, ये हमारा लिफ्ट का एरिया होगा। अब जैसे हमने एंट्री ली ये हमारा ड्राइंग का एरिया है। और एक जो रिच फील, जिसको मैंने एक दो वीडियो में बोला है, जो रिच फील आती है ना, बहुत प्रीमियम लुक दिया गया है इस 4 BHK फ्लैट्स को। और चूंकि बहुत बढ़िया फ्लैट है इसलिए इसकी कीमत भी उस तरह से रखी गई है, 90 लाख रुपए का फ्लैट है ये। और अगेन मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, मेट्रो से सिर्फ 200 मीटर के डिस्टेंस पे है फ्लैट। में जो फ्लैट की एंट्री होगी वो आपका साउथ ईस्ट फ्लैट, जैसे हमने आपको बताया फेसिंग की अगर बात करें, रिपीट करता हूँ, बिल्डिंग में एंट्री ले रहे हैं ईस्ट है, एग्जिट होंगे तो वेस्ट होगा। अगर उस तरफ से आप उधर से एक तरफ से एंट्री ले रहे हैं तो वेस्ट है, निकलेंगे बाहर तो आपका वो ईस्ट होगा। अगर फ्लैट की एंट्री की बात करें तो ये नॉर्थ फेसिंग होगा। जैसे हम अंदर आते हैं तो आप देखें, एक बार वहीं से दिखाएं, ये पूरा हमारा जो डिजाइन है ये हमारा ड्राइंग रूम का डिजाइन है, ये हमने ड्राइंग रूम दिया है। उसके बाद आप देखेंगे इस तरह का फ्लैट है, इसमें हमारे पास दोनों प्रोविजन है, आप फुल्ली फर्निश्ड भी फ्लैट ले सकते हैं और सेमी फर्निश्ड भी फ्लैट ले सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास यहाँ खुले हुए हैं। ये हमारा ड्राइंग का एरिया, जैसा ये हमने यहाँ पे झूमर दिए हैं। ये जो आप फैन देख रहे हैं, ये फैन रिमोट से चल रहा है, रिमोट वाली फैन है ये, यहाँ पे हमने एसी के पॉइंट्स दिए हैं और यहाँ भी हमने फैंसी लाइट दी है। इधर का जो एरिया है ये वाला हमारा डाइनिंग का एरिया है, और इसके साथ हमने यहाँ पे एक टीवी पैनल दिए है, ये हमारे टीवी का पैनल है। इसमें आप देखेंगे तो इस तरह के स्टोरेज दिए गए हैं, ये हमारा स्टोरेज है, और नीचे भी कैबिनेट्स दिए गए हैं। ये देखिए आप,
तो डिजाइन की अगर हम बात करें, जैसे अभी हमने फॉर्सेलिंग की डिजाइन देखी है, बट इस तरह की भी हमने डिजाइन देने की कोशिश की है ताकि जो फ्लैट का लुक हो वो प्रीमियम लगे। मैं आपको किचन दिखाता हूं। अगर आप किचन देखेंगे तो किचन भी आप काफी स्पेसिस फील करेंगे। यहाँ पे हमने पूरे फ्रिज का, आपके पास चाहे जितना भी बड़ा फ्रिज हो यहाँ पे वो फ्रिज आ सकता है। अगर हम पानी की बात करें कि वाटर का क्या कंडीशन है, यहाँ दो तरह के पानी है। पहला तो जो एमसीडी का वाटर आता है, लाइक जल बोर्ड वाला जो पानी आता है वो पानी है, और दूसरा समरसिबल का है। जो जल बोर्ड का पानी है वो करीब 8 से 10 घंटे आता है, और जो समरसिबल है वो 24 आवर्स रहते हैं उसके पानी। जब चाहे अकॉर्डिंग टू यूज आप उसको, अकॉर्डिंग टू नीड आप उसको यूज कर सकते हैं। अब आइए ये हम आपको किचन दिखाते हैं। किचन आप देखिए काफी स्पेसियस है, और इसको हमने यहाँ पे हमने एक झूमर लगाया है, ऊपर फॉल सीलिंग लगा के दी है। यहाँ स्टोरेज दिया गया है, ये जो पूरा आप देख पा रहे हो ये पूरा स्टोरेज है हमारा। ये सारे कैबिनेट्स अलग अलग सारे कैबिनेट्स दिए गए हैं यहाँ पे। यहाँ चिमनी का प्रोविजन है, हम इसमें चिमनी लगा के, अभी चिमनी के साथ में हमने यहाँ बॉक्स का प्रोविजन दिया है। ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक चिमनी है। ये दोनों जो बॉक्सेस हैं वो चूंकि यहाँ ग्लास दिए गए हैं, अगर आप कुछ क्रॉकरी का सामान डालना चाहते हैं तो आप वहाँ पे डाल सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक चिमनी दी है, साथ में यहाँ पे जो चूल्हा देख रहे हैं वो ऑलरेडी इसमें दिया गया हुआ है। और ये सब जो चूल्हा है और जो यहाँ पे जितने सारे आप फर्नीचर देखेंगे वो आपके पास ऑप्शनल है, आप चाहें तो ले सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं भी ले सकते हैं। ये सारे स्टोरेज हैं। यहाँ जो देखेंगे यहाँ हमने गीजर के पॉइंट्स दिए हैं और आरओ के पॉइंट्स भी है, अकॉर्डिंग टू योर नीड आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये वाला देखेंगे तो इस तरह का हमने डेकोरेशन के लिए सारी चीजें यहाँ पे दी हैं। अगर आपके पास बड़े कंटेनर है तो यहाँ देख पा रहे हो काफी स्पेस है किचन में। इसमें कोई भी जो बड़ा आपके पास कंटेनर है जिसमें आप चावल दाल इस सब रखना चाहते हैं तो वो इसमें आ जाएगा। अगर आपके पास कटलरी की चीजें हैं तो उसके लिए सारे बॉक्सेस दिए गए हैं। स्टोरेज का काफी ध्यान दिया गया है। और चूंकि हाँ, एक चीज और मैं आपको किचन में दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे दो सिंक दिए गए हैं और इसके साइज काफी अच्छे हैं। आप देखिए थोड़ा नजदीक से अगर आप दिखाएं तो इस तरह के दो सिंक दिए गए हैं। यहाँ जो पानी का प्रोविजन दिया गया है कि एक एक जो टैप है उससे ठंडा पानी आएगा, एक से गर्म पानी आएगा। क्योंकि गीजर का जो वायरिंग है वो पूरे घर में कर दी गई है, कहीं भी आप एक जगह गीजर लगाएंगे वो पूरे घर में आपका ठंडा पानी गर्म आएगा। ये जो जल बोर्ड का पानी आता है डायरेक्ट उसका ये टैप दिया गया है। अब मैं आपको लिए चलता हूं अपने फ्लैट्स के फर्स्ट बेडरूम एंड सेकेंड बेडरूम की तरफ। पहले हम देखते हैं ये हमारा जो फर्स्ट बेडरूम है, ये हमारा बेडरूम है। आप देखेंगे यहाँ पे हमने वार्डरोब दिया है, यहाँ देखें यहाँ पे वार्डरोब दिया गया है, ये भी काफी स्पेसियस है। और इस तरह के थोड़ा गेट पे जाके दिखाएं तो इस तरह के डिजाइन्स दिए गए हैं फॉल सीलिंग के। इसमें नाइट लैंप हमने दिया है, आप बेड हमने इस तरह से लगाया है वास्तु के अकॉर्डिंग। ये टीवी कैबिनेट्स है, टीवी कैबिनेट्स में भी स्टोरेज है, इधर भी है यहाँ भी है। यहाँ आपका एलसीडी आपका यहाँ आ जाएगा, ये हो गए हैं। इसमें आपके दोनों तरह के प्रोविजन है, इवन हमने स्प्लिट का भी ऑप्शन दिया है एसी के लिए, और आप चाहें तो यहाँ विंडो भी लगा सकते हैं। इसके साथ अटैच वॉशरूम दिए हैं, ये हमारा वॉशरूम का एरिया है। अगर आप वॉशरूम देखें, मिरर लगाया गया है यहाँ पे, वैनिटी सेटिंग दी गई है, या गीजर के पॉइंट्स हैं, फिर यहाँ जो सीट लगा के दी गई है वॉल माउंटेड, यहाँ फ्लश है, और ऊपर भी जो शावर लगाए गए हैं वो ऊपर लगाए गए। और इसके साथ हमने बालकनी की एंट्री दी है, और बालकनी देखिए काफी बढ़िया साइज है बालकनी की। अब देखिए तो काफी अच्छा साइज निकाला गया है बालकनी का, और ऊपर भी हमने लाइट्स दिए हैं वहां से यहां तक का एरिया।
इसमें आप अगर केबल की वायरिंग देख पा रहे हो, बाहर से ही आपका टीवी का केबल की वायरिंग आएगी, यहाँ लग जाएगी। केबल का वायरिंग भी इंटरनल किया गया है, वायर कहीं बाहर नहीं दिखेगी। यहाँ टैप देख पा रहे होंगे आप, वॉशिंग मशीन का यहाँ पे एरिया है और ये हमने यहाँ पे स्विच लगा दिए गए। अगर इस तरफ से ही हम बात करें दूसरे बेडरूम की, आपको उस तरफ से लिए चलता हूँ। हालांकि जो हमारा दूसरा बेडरूम है उसकी भी एंट्री इसी बैल्कनी से होगी। एक बार ओवरऑल लुक दिखाएं आप इनको। ये हमारा दूसरा बेडरूम है हमारे 4 BHK का, आप पूरा देख पा रहे होंगे अगर आप तो। ऊपर हमने इस तरह के फॉल सीलिंग का डिजाइन दिए हैं जिसमें काफी खूबसूरत लाइट्स दी गई हैं। और ये हमारा हमने दिखाया है कि आप इस तरह से बेड लगा सकते हैं। यहाँ पे जो हमारे टेबल लैंप के लिए यहाँ पे ऑलरेडी स्मॉल टेबल दिया गया है। ये अगर आप देखें टीवी पैनल हमने दिया है यहाँ पे, और टीवी पैनल के साथ ये अगेन स्टोरेज के लिए कैबिनेट दिए गए। यहाँ पे आप जितना बड़ा भी आप चाहें टीवी लगाना आप लगा सकते हैं, सीडी एलईडी जो भी अपने सुविधा अनुसार जो भी आपके आप चाहते हैं यहाँ लगाना, उसके लिए प्रॉपर यहाँ पे स्पेस दिया गया है। इसके साथ हमने ये अटैच वॉशरूम दिया है, ये देखिए अगर आप, तो इसका भी साइज ठीक निकाला गया है। इनफैक्ट यहाँ पे भी हमने वैनिटी सेटिंग दी है। अगर आप विंडो देखें, विंडो जो यहाँ पे है हमारा जो एग्जॉस्ट के लिए दिया गया है, स्मॉल एग्जॉस्ट यहाँ पे आ जाएगा वेंटिलेशन के लिए। हमने दूसरा आपको बाथरूम दिखाया था, वहां भी एग्जॉस्ट का प्रोविजन था। और ये हमारे देखिए आप, यहाँ पे हमने शावर दिया है, यहाँ गीजर के पॉइंट्स दिए गए हैं, और ये आपका जो हम यूज करते हैं ठंडा पानी गर्म पानी उसके दोनों यहाँ पे नल लगा दिए गए हैं। इसमें मैं एक चीज आपको दिखाता हूँ यहीं से, ये हमने उस तरफ दिखाया तो हमने वार्डरोब दिया है। वार्डरोब कम ये हमारे ड्रेसिंग है, इसमें आप देखें इस तरह के स्लॉट्स दिए गए हैं, और नीचे इस तरह के कैबिनेट्स हैं। ये हमारा पूरा फुल वार्डरोब है, ये देखिए आप। और इससे भी हमारी बैल्कनी की एंट्री है, चूंकि टू साइड ओपन प्लॉट्स हैं। ये देखें आप, इससे भी आपकी बैल्कनी की एंट्री है। और जैसा मैंने पहले भी बताया हूँ कि इसका साइज काफी अच्छा है, अगर नीचे से आप पूरा दिखा पाए लोकेशन ऊपर से नीचे तक। अब मैं आपको लिए चलता हूँ अपने 4 BHK के थर्ड बेडरूम की तरफ। शुरू में जैसे हमने ड्राइंग देखा है वहां पे हमने आपको एक चीज बताना रह गया था, ये जो हमने दिया है देखिए, हालांकि जो भी डोर आप देख रहे हैं सबका डिजाइन एक ही जैसा है, ग्लास और वुडन का कॉम्बिनेशन करके एक अच्छा लुक देने की कोशिश की गई है। तो जो हमारा ये ड्राइंग का एरिया है, जैसा आपने देखा हमने फैन भी लगाए हैं, इसमें झूमर भी लगा रखा हुआ है, और उसके साथ ड्राइंग के साथ ही कॉमन वॉशरूम दिया गया है ये वाला। इसमें ओवरऑल 4 बेडरूम हैं और 3 वॉशरूम दिए गए हैं। इसमें देखिए इसमें भी वैनिटी इस तरह की दी गई है, यहाँ पे वॉल माउंटेड फ्लश लगा हुआ है, शावर यहाँ दिया गया है, और इसके वेंटिलेशन के लिए यहाँ आपका एग्जॉस्ट का भी प्रोविजन है। और चूंकि इसके साथ जब 2 गेट ओपन किया गया है, एक तो हमारा जो है ड्राइंग के लिए अगर गेस्ट आते हैं तो, और साथ में जो दूसरा बेडरूम है उसके साथ भी उसकी एंट्री दी गई है, ताकि इसको कॉमन भी और अटैच भी दोनों तरह से यूज किया जा सके। ये हमारा थर्ड बेडरूम है, देखेंगे तो काफी स्पेसियस है अगर आप वहां से देख पा रहे हो। ये अगेन स्टोरेज का ध्यान दिया गया, ये ड्रेसिंग बनाया गया, इसको ड्रेसिंग टेबल है ये, इसमें काफी स्टोरेज हैं, आप देखें ये सारे।
ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ। इधर भी है आपके और खूबसूरती से डिजाइन किया गया है, कमाल का फ्लैट। लाइक अगर स्पेशली स्टोरेज की बात करें बहुत ही बढ़िया फ्लैट्स है, क्योंकि 90 लाख रुपए का फ्लैट है तो हमने इसको प्रीमियम लुक देने की कोशिश की है। अगर आप ऊपर देखें तो इस तरह के फॉल सीलिंग का डिजाइन है और जो बेड के साथ हमने डिजाइन दिया है वो इस तरह के येलो कलर में इस तरह के डिजाइन हमने दिए हैं। और साथ में एक स्पेस छोड़ा गया है जो आप अपने अकॉर्डिंग पूजा रूम आप बना सकते हैं। ये वाला स्पेस, ये जो स्पेस है इसको आप पूजा रूम या अपने अकॉर्डिंग आपको जैसा भी लगेगा कि आपको क्या बनानी चाहिए क्या नहीं बनानी चाहिए वो अपने अकॉर्डिंग आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके साथ अगेन वार्डरोब दिया है, क्योंकि यहाँ पे हमारा ड्रेसिंग है, यहाँ हमने वार्डरोब दिया है। ये लॉक है अभी बिकॉज किसी कारण से इसमें कुछ सामान डाला गया है तो इसको लॉक है, बट वार्डरोब इसकी भी जो जो साइज है इवन इसकी गहराई भी है वो भी काफी अच्छी है। इसके साथ भी हमारी बैल्कनी की एंट्री है, जैसा कि मैंने बताया कि टू साइड ओपन प्लॉट्स है तो ऑब्वियस है दोनों तरफ से होगा। ये बैल्कनी की एंट्री है और कॉमन वॉशरूम के साथ जो मैंने आपको बताया था ये अटैच भी है, आप दोनों तरह से इसको यूज किया जा सकता है, कॉमन कम अटैच है ये। अब इसके साथ आप देखेंगे तो ये हमारा बैल्कनी का तीसरा बेडरूम के साथ जो हमारी बैल्कनी है वो है, आप रोड अगर देखें तो इधर भी हमारे 30 फीट का रोड है। ये वाला एरिया है हमारा पूरा एरिया देख गया। और यहाँ पे ना आप देखें लोकेशन एक बार दिखाएं, यहाँ पे वॉशिंग मशीन के लिए भी एक अलग से जगह दिया गया है। यहाँ पे ये वाला जो जगह है इसको आप एज अ वॉशिंग के लिए यूज कर सकते हैं। टैप लगाया गया है, यहाँ पे स्विचेस लगाए गए हैं और ये यही से हमारा फोर्थ बेडरूम की एंट्री है, बट हम आपको ड्राइंग रूम से लेके आते हैं। और उसके बाद इस बेडरूम में जाते जाते एक चीज मैं दिखा दूं, इसमें भी टीवी पैनल दिया गया है और इसमें भी आपके ये वाले जो है ना स्टोरेज कैबिनेट्स वो दिए गए हैं। यहाँ पे आपका एलसीडी आ जाएगा, यहाँ पे आपके बॉक्स आ जाएंगे डिस्क के। ये हमारा फोर्थ बेडरूम है। बहुत ही बढ़िया फ्लैट, बहुत शानदार डिजाइन किया गया, बहुत अच्छा लुक देता है। आप देखें ये इस तरह के हमने फॉल सीलिंग दी है इसमें और जो नाइट लैंप है ये इस तरह के हमारे नाइट लैंप है। इसमें बेड हमने इस तरह से लगा के दिया है, आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। और वहां चूंकि सिटिंग स्पेस भी दे दिया है, अगर वो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अगेन इस बेडरूम के साथ भी वार्डरोब दिए गए हैं। साइज देखिए काफी बढ़िया साइज है इसका। ये टीवी पैनल दिया, और इसके साथ भी हमारी बैल्कनी की एंट्री है। वेंटिलेशन के लिए थोड़ा पीछे हूं, वेंटिलेशन के लिए सारे रूम में विंडो भी दिया गया है। जितने भी बेडरूम हमने आपको दिखाए हैं सारे बेडरूम में विंडो है। ओवरऑल जो अभी हमने फ्लैट देखा वो हमारा 4 BHK का फ्लैट है। और अगर इसकी हम टोटलिटी में बात करें, डिस्क्रिप्शन की बात करें, तो इसका जो हमने प्राइस रखा है वो 90 लाख रुपए रखा है। इसमें जो आपके पास दोनों तरह के प्रोविजन है कि आप चाहें इसको तो फर्निश्ड ले सकते हैं, चाहें तो सेमी फर्निश्ड आप इसको ले सकते हैं। और इसकी प्लॉट साइज की बात करें तो ये जो हमारा प्लॉट साइज है 150 गज का है। हर फ्लोर पे एक ही फ्लैट है, इंडिपेंडेंट फ्लैट है ये, टू साइड ओपन है, दोनों तरफ जो हमारा रास्ता है वो 30-30 फीट का रास्ता है और मेट्रो स्टेशन से हार्डली 200 मीटर की दूरी पे है। तो फ्रेंड्स अगर आपको फ्लैट ये ठीक लग रहा होगा तो आप कॉल करें, जो हमारा नंबर होगा वो नंबर है 8178181192। अगेन मैं रिपीट करता हूँ 8178181192। इस पर आप कॉन्टैक्ट करें अगर आप विजिट करना चाहते हैं, अगर आप फ्लैट देखना चाहते हैं तो आप आइए, मोस्ट वेलकम। और फिर से हम मिलेंगे आपसे
अपने एक नए फ्लैट में, एक शानदार फ्लैट में, जैसा कि आपको हम कोशिश करते हैं हमेशा दिखाएं। और थैंक यू फॉर गिविंग अ प्रीसियस टाइम। वी विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।